हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस महीने हमारे यहाँ होली का त्यौहार है, तो मैं आपको इसी से रिलेटेड हाउसी टिकट लेके आई हूँ कि होली जैसे रंग बिरंगा त्यौहार होता है, उसी तरीके से हमारे हाउसी के टिकट भी रंग बिरंगे होंगे। देखिए, मैंने इसमें एक क्राफ्ट सीट ली है और उसके मैंने 4 फोल्ड कर लिए और उसके बाद उसका एक फोल्ड और कर लिया है। देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर मैंने इसके एक साइड में 4.5 इंच का निशान लगाया है एंड दूसरे साइड में 3.5 इंच का निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को मैंने मिला लिए हैं लाइन खींच के। इसके बाद हमें इस पे हल्का सा कर्व देना है, बिल्कुल लाइट सा, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, कटिंग करके ये ऐसे बाल्टी की शेप आ जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली में बाल्टी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कलर तो हम उसमें भरते हैं। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें दूसरा पेपर ले लिया है जो कि हमारी बाल्टी का बेस बनाएगा, और इस तरीके से कटिंग करके हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे। अब नंबर आता है ऊपर, यानी कि बाल्टी के मुँह का। तो देखिए, उस पर भी मैंने इस तरीके से बाल्टी रख के कर्व कर लिया है और फिर नीचे से अपने आप शेप दे दी है और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम इसको भी बाल्टी के ऊपर रख कर पेस्ट कर देंगे। फिर देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी बाल्टियाँ तैयार हो जाएंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अब इसके बाद देखिए, हम बाल्टी की एक स्केच पेन से आउटलाइन कर लेंगे, क्योंकि जब हम आउटलाइन करते हैं तो हमारी कोई भी क्राफ्ट हो या ड्राइंग हो, वो और भी सुंदर लगने लगती है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी आउटलाइन कर ली है। अब आउटलाइन करने के बाद देखिए, मेरा पीस रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर दो छोटी छोटी पिचकारी ली हैं और इस तरीके से बाल्टी पर अटैच कर दी है। देखिए, एक पिचकारी को उल्टा लगाया और एक पिचकारी को सीधे, और उसके बाद मैंने कुछ शेप्स कटिंग करके बाल्टी के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर दिए हैं, जिसमें कि हम अपने किटी के नंबर लिखेंगे। और इसके बाद मैंने कुछ कलर के ढेर बनाए हैं, जैसे कि हमारी प्लेट में हम रखते हैं तो कलर के माउंटेन बन जाते हैं इस तरीके से। और ये देखिए, मैंने ये 5 कलर के लिए है, क्योंकि हमारी जो किटी की लाइंस होती हैं उसमें पर लाइन में 5 डिजिट होते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए इनको पेस्ट कर लिया और ये मेरे तैयार हो गए हैं। आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है, कलर आप लोग अपने मन से ले सकते हैं। अब इसको रेडी करने के बाद मैंने एक पतली सी स्ट्रिप काटी है और उसको एक साइड से ग्लू की मदद से बाल्टी के सेंटर में और पिचकारियों के सेंटर में पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद थोड़ी सी दूरी छोड़कर मैंने जो गुलाल के ढेर बनाए थे वो पेस्ट कर दिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके वो पट्टी मैंने काट दी और इसके ऊपर मैंने छपाक की शेप काट कर पेस्ट कर दी है। अब बारी आती है हाउसी के टिकट के नंबर लिखने की। तो देखिए, जो मेरे ऊपर कलर के जो ढेर हैं आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैंने फर्स्ट लाइन बनाया है और जो बाल्टी में मैंने डिजिट लिखे हैं ये मेरी लास्ट लाइन है। और अब आप सोचेंगे मिड लाइन कहाँ है, तो मेरी जो मिडिल लाइन है वो है मेरी पिचकारियों पे। तो मैंने 2 डिजिट एक पिचकारी पे लिख दिए हैं और 2 डिजिट एक पिचकारी पे, और 1 डिजिट मैंने सेंटर छपाक पे लिख दिया है जो मेरा मिड नंबर भी बन सकता है। और देखिए, इस तरीके से मेरी कलरफुल पिचकारियाँ तैयार हो गई। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।